सुजानगढ़ नगर परिषद की सभापति नीलोफर गोरी इंदिरा रसोई का निरीक्षण करने के लिए स्कार्फ लगाकर स्कूटी पर पहुंची। बस स्टैंड स्थित इंदिरा रसोई पर सभापति नीलोफर गोरी अपनी स्कूटी पर सवार होकर जब औचक निरीक्षण के लिए पहुंची तो निरीक्षण के दौरान खाना खा रहे व्यक्ति से सभापति ने खाने की गुणवत्ता पूछी तो उसने संतुष्टि जाहिर की। दूसरी ओर कंप्यूटर बैठे ऑपरेटर से पूछने पर उसने बताया कि 1:35 तक करीब 189 थालियां लग चुकी हैं और अब खाना अंतिम समय में है, जिस पर सभापति ने 8 रुपये देकर खाना खाने की इच्छा जाहिर की तो इंदिरा रसोई में सभापति को भोजन नहीं मिल पाया और कुछ समय इंतजार करने के लिए कहा गया। इस पर सभापति रसोई में चली गई और वहां रोटियों की बकेट देखने पर पाया कि केवल 4-5 रोटियां उसमें नीचे की शेष बची थी जो पसीने से गीली हो चुकी थी। दूसरी ओर सभापति ने कहा कि रोटी यहीं पर बनाकर लोगों को खिलाने की व्यवस्था करो और कच्ची रोटी लोगों को मत परोसो, जिस पर कर्मचारी ने बताया कि रोटियां मशीन से बनकर दूसरी जगह से आ रही हैं। इस दौरान कंप्यूटर में एंट्री और रजिस्टर संधारण भी सभापति ने चेक किया। वहीं कर्मचारी ने बताया कि आज बस स्टैंड पर ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण थालियाँ समय से पहले ही लग गई। वहीं इसके बाद सभापति चांदबास रेल फाटक के सामने स्थित इंदिरा रसोई भी पहुंची, जहां पर रोटी की गुणवत्ता सही मिली और दोपहर तक मात्र 29 थाली ही लग पाई थी। इसी प्रकार सभापति ने इंदिरा रसोई में खाना खाया तो पाया कि सब्जी में मसाला पूरी तरह से घुला हुआ नहीं था, जिस पर सभापति ने इस खामी को सुधारने के लिए निर्देशित किया। दूसरी ओर इसी इंदिरा रसोई में मीनू दीवार पर लिखा हुआ तो मिला, लेकिन वहां पर मीनू में भोजन का आइटम नहीं लिखा हुआ था और भोजन मिलने के सुबह शाम के समय की जानकारी भी आम लोगों के लिए की हुई नहीं मिली। इस पर सभापति ने इस खामी को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए। आज मैंने इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया तो सबसे पहले जो बस स्टैंड वाली इंदिरा रसोई है वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि वहाँ पे रोटी नहीं थी और कुछ एक दो रोटी थी तो एकदम जली हुई थी और ठंडी थी और ना रोटी की मतलब एकदम ऐसी रोटी थी जो बोल रहे कि मशीन से बनाई गई थी, तो इसलिए हमने वहाँ पे हमने खाना भी नहीं खाया क्योंकि रोटी थी नहीं। और फिर हम दूसरी जगह जब चांदबास फाटक के सामने वहाँ मौका निरीक्षण किया तो यहाँ पे रोटी थी, रोटी की कंडीशन भी ठीक थी, बनी हुई भी ठीक थी, लेकिन जो सब्जी थी वो थोड़ी कच्ची थी। तो हमने दोनों संचालकों को यही निर्देश दिए हैं कि इंदिरा रसोई में जो लोग आते हैं उनको एक पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, तो इसलिए आप जो सब्जियाँ और जो रोटी कच्ची होती है उनको एकदम अच्छे तरीके से बनाएँ और जो जो खाना खाने ज़रूरतमंद आते हैं उनको एक सम्मानपूर्वक खाना खिलाया जाए ताकि वो ना एक अच्छा मतलब घर जैसा खाना उन्हें मिले, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की यही सोच है कि कोई भूखा ना सोए और प्लस उनकी यही मंशा है कि जो भी इंदिरा रसोई में जो खाना होए वो एकदम घर जैसा होए। तो हमने दोनों संचालकों को यही निर्देश दिए कि जो रोटी है वो कच्ची नहीं होनी चाहिए, सब्जी है वो ठंडी नहीं होनी चाहिए और एक अच्छी सब्जी होनी चाहिए घर जैसी। जिला परिषद चूरू के सीईओ पीआर मीणा ने पंचायत समिति के प्रशासन से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि अगले 1664 काम आपने शुरू ही नहीं किए और 4000 नए कामों के प्रस्ताव भेज दिए हैं। आप लोगों के क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में काम बाकी चल रहे हैं और आप लोग काम शुरू क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। सीईओ ने कहा कि गोपालपुरा में 108 काम चालू नहीं हुए हैं और वहाँ नरेगा के तहत 299 नए कार्यों के प्रस्ताव आप लोगों ने भेज दिए। इसी प्रकार ग्राम पंचायत रणदीसर में 154 काम चालू नहीं हुए और नए काम के 600 से ज़्यादा प्रस्ताव भेज दिए। इसी प्रकार खुड़ी के 104 काम नरेगा में शुरू नहीं किए गए और 177 नए कामों के प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। चरला के 129 काम चालू नहीं किए गए हैं और नए 211 कामों के प्रस्ताव भेज दिए गए हैं, जिस पर संबंधित ग्राम विकास अधिकारियों ने कहा कि इनमें से अधिकांश काम व्यक्तिगत कार्य हैं, जिस पर सीईओ ने कहा आपने जो नए काम भेजे हैं उनमें भी व्यक्तिगत काम काफ़ी संख्या में। सीईओ ने कहा कि चारों पंचायतों के 100 से ज़्यादा काम प्रति पंचायत के हिसाब से शुरू नहीं किए गए हैं, जो ग्राम विकास अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है। सीईओ ने मीडिया को बताया कि चारों पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों भंवर सिंह, भंवरलाल, रामपाल को नोटिस जारी किए जाएंगे। इसी प्रकार श्रम व मजदूरी का अनुपात कई पंचायतों में सही नहीं मिलने पर कई ग्राम विकास अधिकारियों को सीईओ ने नसीहत दी और इसे सुधारने के लिए कहा। जिला परिषद के एक्सीएन ने कहा कि नरेगा के प्रत्येक कार्य की सीसी क्यों नहीं जमा करवाई जाती। इस पर ग्राम विकास अधिकारियों ने कहा कि
की प्रत्येक कार्य की सीसी दी जा रही है, जिस पर लेखाकार ने मना कर दिया और कहा कि नरेगा की प्रत्येक कार्य की सीसी जमा नहीं करवाई जा रही है। इसी प्रकार नरेगा कार्यों में कम प्रगति मिलने वाले ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों को भी सीईओ ने नसीहत दी। दूसरी ओर गाँव में चल रहे नरेगा कार्यों में लोगों की मजदूरी कम मिलने पर सीईओ ने गहरी नाराजगी जाहिर की। सोबासर में 155 रुपये मजदूरी मिलने के मामले को इंगित करते हुए मीणा ने समस्त जेटीए से कहा कि मजदूरी बढ़ाने के लिए जितने प्रोविजन है सब लागू करके मजदूरों को अधिक से अधिक फायदा दिलाया जाए और पूरा काम लिया जाए। इसी प्रकार विकास अधिकारी शिव कुमार शर्मा को नरेगा के तहत लिए गए एस्टिमेट कार्यों और पूर्ण कामों की सीसी चेक करने के लिए भी सीईओ ने निर्देशित किया। इसी प्रकार नरेगा में 8 दिन से अधिक विलंबित भुगतानों के मामले को भी सीईओ ने गंभीरता से लेकर समुचित दिशा निर्देश दिए। वहीं बैठक में सहायक अभियंता ग्राम विकास अधिकारी जीवन राम नेहरा, जुगल किशोर, कमलकांत पेरी, पंचायत प्रचार अधिकारी रामानंद फलवाड़िया, घनश्याम भाटी सहित अनेक ग्राम विकास अधिकारी व पंचायत समिति के अधिकारी मौजूद रहे। समस्त जो ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं उनके संदर्भ में आज ब्लॉक पंचायत समिति सुजानगढ़ का एक विस्तृत हमने मीटिंग रखी है और जहाँ जहाँ ब्लॉक की कमजोरियां हैं या जो जो काम अधूरे पड़े हैं, चालू या प्रगति कम है, उन कार्यों की समीक्षा की जा रही है और उनको प्रगति नॉर्म्स के हिसाब से उसकी प्रगति होनी चाहिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसमें कोई कर्मचारी अधिकारी हमारा लापरवाह है तो उनके विरुद्ध भी एक्शन टेकन लिया जाएगा और जो कार्य समय सीमा है उसमें उनको पूर्ण करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का स्थापना दिवस नगर कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए सभापति अमित मारोठिया, जिला प्रवक्ता कांग्रेस मोहम्मद इदरीस गोरी, देहात कांग्रेस के अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल आदि ने बताया कि कांग्रेस ने किस प्रकार से सामंत शाहों और अंग्रेजों के हाथों से सत्ता को छीनकर भारत देश की जनता की हाथों में सत्ता दे दी। वहीं किशन शर्मा ने कहा कि हमें अपने द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को जनता में गिनाना चाहिए और संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर वक्ताओं ने एक सुर में कहा कि आज देश में राहुल गांधी जो सद्भावना यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वह आने वाली पीढ़ियों के लिए यादगार बन जाएगी, क्योंकि कुछ फासीवादी ताकतें भारत देश में सामाजिक अमन चैन की दुश्मन बनी हुई है। उन पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता प्रहार करते हुए देश में शांति, अमन चैन और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए लगा हुआ है। इस अवसर पर पूर्व सभापति हाजी सिकंदर लिखिल जी, कांग्रेस नेता बजरंग सेन, लाल चंद बेदी, पार्षद तरुण श्योता, निमिचंद गुलेरिया, एडवोकेट सलीम खान गाजी, विद्या प्रकाश बागरेचा, पार्षद उषा बगड़ा, सुनीता रावतानी, असलम मुलानी आदि लोगों ने भी विचार प्रकट किए। इस अवसर पर पार्षद जाकिर क्याल, इस्माइल खान, रेखा राम, फारूक भुट्टा, पूसाराम मेघवाल, पार्षद लिया कतली, सलीम गोरी, प्रदेश वाल्मीकि, मास्टर दाऊद काजी, राम निवास गुदर सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता व नेतागण मौजूद रहे, जिन्होंने एक दूसरे को स्थापना दिवस की बधाइयां दी। आज सुजानगढ़ शहर और देहत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा की गई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा हम सभी को जो निर्देश दिए गए हैं कि बूथ से बूथ जोड़ो और पंचायत से पंचायत जोड़ो जो अभियान 26 जनवरी से चलना है उसके बारे में बातचीत करी गई। सभी को मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं ज्ञापन करता हूं।